अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आज दिन की जो सबसे बड़ी खबर है दैट इज वर्ल्ड कप 2023 का स्केड्यूल अनाउंसमेंट। मगर उससे पहले जब ट्रॉफी की रूनुमाई हुई और ट्रॉफी ने जो शुरुआत की वो शुरुआत की स्पेस से और स्पेस से ट्रॉफी जो है वो आई ज़मीन तक। सो शुरुआत जो है वो स्पेस से हुई है। अब देखें कि ये ट्रॉफी इवेंचुअली जब ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा तो कहाँ जाएगी, बट एट लास्ट द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड। 100 दिन बाकी हैं अब वर्ल्ड कप 2023 में और जो प्रपोज्ड सामने आया था स्केड्यूल उसी प्रपोजल के हिसाब से जो है वो स्केड्यूल आगे बढ़ा है। सो आज हमारा मेजर फोकस रहेगा और हम इस स्केड्यूल के हवाले से ही बात करेंगे। हमारी डिस्कशन जो है वो इसी के हवाले से होगी और डिस्कशन के लिए हमें गेस्ट भी ज्वाइन इन करेंगे जिस पे बात करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और जिस तरह हमने पाकिस्तान के स्केड्यूल की पहले भी बात की थी, सो पाकिस्तान ने जो है वो शुरुआत जो पाकिस्तान की होगी वो ऑब्वियसली क्वालिफायर्स जो क्वालिफाइड टीम जो क्वालिफाई करके आएंगी टीम्स उनसे जो है वो शुरुआत होगी टीम पाकिस्तान की और उसके बाद फिर इवेंचुअली आगे सफर रहेगा। क्वालिफाइंग टीम के बाद जो है इंडिया से मुकाबला करेंगे। सो डेट वाइज अगर मैं आपको बताती चलूं तो 6 अक्टूबर को यानी जो इवेंट का दूसरा दिन होगा मगर पहला मैच जो कि 5 खेला जाएगा वो दैट वुड बी दी डिफेंडिंग चैंपियन और उनका मुकाबला होगा और वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बट फिर 6 को क्वालिफाइंग टीम के साथ जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक्शन में देखेगी आपको। देन 12 अक्टूबर को फिर क्वालिफाइंग टीम के साथ हैदराबाद में फिर से पाकिस्तान टीम एक्शन में दिखेगी। 15 अक्टूबर को इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो मुकाबला होगा अहमदाबाद में पाकिस्तान का। देन 20 अक्टूबर को वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में टीम पाकिस्तान आपको एक्शन में दिखेगी। 23 अक्टूबर को वर्सेस अफगानिस्तान चेन्नई में मुकाबला होगा। देन 27 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा टीम पाकिस्तान का, वो भी चेन्नई में खेला जाएगा। 31 अक्टूबर को कोलकाता में बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है वो आपको टीम पाकिस्तान एक्शन में दिखेगी। एंड 5 नवंबर वर्सेस न्यूजीलैंड इन बेंगलुरु एंड देन 12 नवंबर वर्सेस इंग्लैंड इन कोलकाता अगेन। दो के आपको मैं ये याद दिलाती चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक रिक्वेस्ट ज़रूर की थी दो के, वो रिक्वेस्ट जिन ग्राउंड्स पे थी उस पे तो कोई वजह बनती नहीं थी। ये रिक्वेस्ट ये की गई थी कि जो अफगानिस्तान का मैच है वो बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया जाए, जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है वो चेन्नई शिफ्ट कर दिया जाए, मगर क्योंकि वो वजह सिर्फ कंडीशंस के ऊपर बात करके की गई थी जिसका राइट शायद किसी भी मेंबर को नहीं होता आईसीसी के इवेंट में चेंजेस करने के लिए, तो उस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं किया गया और इसी तरह जो है जो स्केड्यूल प्रपोज किया गया था उसी के हिसाब से जो है वो स्केड्यूल सामने आ गया। अब अगर हम मूव ऑन करें और बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो दो मरतबा की वर्ल्ड चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ ख़तरे में। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में नीदरलैंड्स ने वेस्ट इंडीज़ को दिलचस्प मुकाबले के बाद सुपर ओवर तक जब ये मुकाबला गया तो सुपर ओवर में शिकस्त दी। ब्रिलियंट सुपर ओवर इट वॉज, चौका छक्का चौका, मतलब इस वक्त जो इस सुपर ओवर में जेसन होल्डर के साथ हुआ मेरा ख्याल से जिंदगी भर जेसन होल्डर इसको याद रखेंगे। वेस्ट इंडीज़ टीम 375 रन का दिफा करने में नाकाम रही और फिर सुपर ओवर में जिस तरह नीदरलैंड के वैन बीक ने 3 छक्के और 3 चौके लगाकर 30 रन्स बनाए तो ताकुब में वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो सिर्फ 8 रन्स बना सकी। और क्वालिफायर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी क्वालिफायर्स जो है वो वेस्ट इंडीज़ मुश्किलात में पड़ गई है और 2 शिकस्त हो गई हैं वेस्ट इंडीज़ को। ये जो कॉन्टेस्ट है इसके हवाले से मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि सुपर सिक्सेस का मुकाबला होगा कैसे और कौन से पॉइंट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होंगे टीम्स के जब टीम्स 3 टॉप 3 सामने आ जाएंगी दोनों ग्रुप से। मूविंग ऑन फर्दर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात करें, सो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के आज होने वाले इंतखाबात को रोक दिया। यानी लाहौर ने तो आज कहा था कि आज समात होगी जिस समात के हवाले से आपको अपडेट ज़रूर देंगे, मगर बलूचिस्तान कोर्ट ने जो है वो स्टे ऑर्डर एक्चुअली दे दिया और अब ये स्टे ऑर्डर लंबे अरसे तक इसलिए रहने वाला है बिकॉज अब ईद की छुट्टियां और ईद की छुट्टियों के बाद जो है वो समर हॉलीडेज़ होती हैं कोर्ट की। सो 17 जुलाई तक ये मामला आगे खिंच जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत वजारत आईपीसी और ज़क अशरफ को नोटिस जारी कर दिए हैं और केस की समाअत चीफ जस्टिस समेत 2 रुकनी बेंच
17 जुलाई को अब करेगी और पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के साबिक रुकन गुल मोहम्मद कक्कड़ ने चेयरमैन के इलेक्शंस को चैलेंज किया था। तो जो जो जहां जहां मौजूद था, जैसे लाहौर में शकील शेख साहब हमें एक्टिव दिखे, जो जो जहां जहां मौजूद वहां वहां केस दायर किए थे और ये केसेस का इशू जो है वो सामने आया, विच मींस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ इन टोटल मेस राइट नाउ। इस वक्त जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अहमद शहजाद साहब, वो जो हैं वो इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और वो ही इतने टाइम रहेंगे जब तक के 17 जुलाई के बाद ये पूरा सिलसिला होगा और कब जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते। सो दिस इज़ इट इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। यहाँ जो है हमारी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि क्या सिलसिला रहा। उससे पहले कि अब ये वर्ल्ड कप के स्केड्यूल पे बात करें, ऑब्वियसली एक हियरिंग जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी होनी थी और उस हियरिंग के हिसाब से क्या हुआ, क्या हुआ आज कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में क्या रहा, हमारे कोरेस्पोंडेंट अरशद अली हमारे साथ मौजूद है। अरशद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी तो अरशद, क्या हुआ आज कोर्ट में? दो के स्टे ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है, सो आज लाहौर हाई कोर्ट ने क्या अलग किया? जी बिल्कुल जहब, आज लाहौर हाई कोर्ट में दो दरख्वास्तें अलग अलग कोर्ट में जेर समाप्त थी। एक कोर्ट ने जो है वो नोटिस किए हुए थे हुक्म इंतराई की दरख्वास्त पर पीसीबी को, जिस पर जो है वो पीसीबी का वकील जस्टिस शाहिद करीम की कोर्ट में पेश हुआ है और ये उन्होंने सदा की है कि अदालत हमें जवाब के लिए, दलाइल के लिए मोहलत फ्राहम करे और हुक्म इंतराई जारी ना करे। जिस पर जो है वो जज साहब की जरूरत से ये रिमार्क दिए गए हैं कि इस दरख्वास्त पर हुक्म इंतराई ऑलरेडी जारी हो चुका है बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, तो लिहाजा हम जो है वो हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर रहे। जिस पर जो है वो अदालत ने मजीद इस पर समाज जो है वो दो हफ्तों तक के लिए मुलतवी की है और दूसरी तरफ जो है वो एक शहरी जुल्फकार नामी जो है वो भी स्टे लेने आया है और कह रहा है कि चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ नहीं होने जा रहा, लिहाजा जो है वो फौरी तौर पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड का जो इलेक्शन है वो रोका जाए। जिस पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने हुक्म इम्तनाई जारी किया है इस दरख्वास्त पर। ये दरख्वास्त कल दायर की गई थी और आज समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। अदालत ने जो है वो इस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत वफाकी हुकूमत समेत दीगर को जो है वो नोटिस किए हैं और आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया है। अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो जुलाई के दूसरे हफ्ते तक के लिए मुलतवी की है। यूं कह लें दो दरख्वास्तें थी, एक पर जो है वो अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि इस दरख्वास्त पर स्टे नहीं दे रहे क्योंकि ऑलरेडी बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। दूसरी तरफ जो है जो दूसरी दरख्वास्त थी जो जस्टिस अनवार हुसैन की कोर्ट में लगी थी, उस पर जो है वो हुक्म इंतराई जारी किया गया है और इलेक्शन जो बोर्ड के इलेक्शन होने जा रहे थे चेयरमैन पीसीबी के, उनको जो है वो रोकने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी सो अरशद, इसका मतलब ये कि अब हम जब तक के कोर्ट की ये जो समर हॉलीडेज हैं जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी तब तक हम कोई फैसला आते नहीं देखेंगे, क्योंकि बलोचिस्तान कोर्ट ने तो 17 जुलाई अब डेट दे दी है, तो 17 जुलाई तक ये मामला एक ही साइड बैठा रहेगा। बिल्कुल, जो है वो जिस तरह आपने बताया कि बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने 17 जुलाई डेट डाली है और उससे कबल जो है वो कोई भी चीज, अब जो इलेक्शन बोर्ड है इनका चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन जिन्होंने करवाना है वो इस चीज के पाबंद है कि वो बलोचिस्तान हाईकोर्ट का ऑर्डर मानेंगे और उसके बाद जो है वो लाहौर हाईकोर्ट का रिटर्न ऑर्डर भी जारी होगा और उसको भी मानने के वो पाबंद होंगे और 17 जुलाई से कोई इलेक्शन जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस सूरत में अगर जो है वो पीसीबी अगर खुद जो है वो दरख्वास्त बलोचिस्तान हाईकोर्ट में जाकर ना दायर कर दे, मुतफरक दरख्वास्त ना दे ले, अर्ली हियरिंग जिसको बोलते हैं कि जल्द इस पर जो है वो स्टे खत्म किया जाए, हमने जो है वो इलेक्शन करवाना है, ये दरख्वास्त अगर ना आई तो फिर जो है वो 17 जुलाई को कोर्ट बकायदा प्रोसीडिंग करेगी। ठीक है अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। और ये मजाक चलता रहेगा, एक ही खेल एक बाकी रह गया था जिसमें खुद अपना सर्वाइवल ढूंढकर पाकिस्तान क्रिकेट अपने स्ट्रॉन्ग कदमों पे खड़ी हुई थी, मगर फिर इवेंचुअली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत तेज़ी से नज़र आना शुरू हो गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब को मैं खुश आमदेद कहती हूँ गेम सेट मैच में। भट्टी साहब, ये तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तमाशा काफ़ी लंबा चलने वाला है। जी सवेरा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये तमाशा है जिसमें जगह छाई भी हो रही है
और एक ही खेल बचा है, देखें स्क्वाश पॉल्टी ये तो अब हमें नजर भी नहीं आते। स्नूकर में वो चूंकि माइंड गेम है तो स्नूकर को भी हम उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बल्कि अभी जो साहब बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि जो अर्ली हेयरिंग की जो दरखास्त थी पीसीबी की, वो मेरी सलाह है कि बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने उस दरखास्त को भी रद्द कर दिया। तो 17 जुलाई से पहले तो मुझे, लेकिन आज जिस लाहौर हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, पिशावर हाईकोर्ट, बलोचिस्तान हाईकोर्ट में कल दरखास्त गई, तो मुझे तो लग रहा है अभी जका के लिए इसके बहुत सारे इम्तहान है। बिल्कुल, और लग मुझे भी ऐसे ही रहा है कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, जबकि वैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो ऐसा लग रहा था कि ये ओपन एंड शट केस होगा, क्योंकि एज फार एज आई नो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि अगर जो पिछले रीजन्स थे, हिस्सा था, जिन्होंने पहले इलेक्शन में पार्ट लिया था, तो अब वो रीजन स्वैप करने पड़ेंगे, मगर बहुत सारी इसके बीच में लूप होल्स होंगे। भट्टी साहब, ये जो सारे मामलात हैं, आप लोग आप कैसे देख रहे हैं? अब हम आज हमने वर्ल्ड कप के स्केड्यूल पे मेजरली बात करनी है, मगर देखें हम उससे पहले जो हाउस एंड ऑर्डर है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, जो हाउस एंड ऑर्डर नहीं है एग्जैक्टली उसके हवाले से बात कर रहे हैं। सो अब एशिया कप का जो है अभी तक स्केड्यूल रुका हुआ है, एंड वी आर द होस्ट ऑफ एशिया कप, क्या अब हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या वो फाइनल साइनिंग अथॉरिटी बनेंगे उस पे साइन करने के लिए? देखिए समीर, थोड़ा सा आपके सवाल के जवाब से पहले, हाँ, ये जो अदालतों में मामला थे इसमें मैं थोड़ी सी एक और चीज आपको, वो बल्कि इंटरेस्टिंग चीज है जी भट्टी साहब, सिर्फ ये नहीं है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर्म हुआ है उस पर एतराज नहीं है, वका अशरफ की जो क्वालिफिकेशन है एक कोर्ट में उस पर भी एतराज किया गया है, दो तीन और डिफरेंट चीजें हैं। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिनिस्ट्री ने थोड़ी सी जल्दबाजी से काम लिया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो भी फॉर्म हुआ था, इलेक्शन हो जाते आज 27 तारीख को, जका साहब जीत जाते, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ था तो उसमें बाद में बात की जा सकती थी, लेकिन जका अशरफ भी थोड़ा सा मुझे तेजी में नजर आए। ये जो आपके आपके सवाल से रिलेटेड एक और से बात आपको बताऊं कि अभी तो जका अशरफ पीसीबी चेयरमैन बने नहीं, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पर भी एक बयान दाग दिया, अरे भाई आप आ जाएं, उसके फिर उन्होंने कहा जी ये तो मेरी जाती राय थी। भाई जब आपकी जाती राय की भी अभी कोई अहमियत नहीं है, अभी जका अशरफ, सवेरा पाशा या अब्दुल माजिद भट्टी सब एक ही जैसे हैं, जब आप टेक ओवर कर जाएंगे, पीसीबी चेयरमैन बन जाएंगे। मेरे ख्याल में हाइब्रिड मॉडल पे तो देखें सवेरा, मुझे लग रहा है कि जो चार मैचेस के मामला थे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो मामला तय कर लिए, और वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो अगर आप 2015 का वर्ल्ड कप देखें तो एक साल पहले अनाउंस हो गया था। बिल्कुल, इस बार ये डिले जो 100 दिन पहले आज अनाउंस हुआ है, उसकी वजह ये एशिया कप से रिलेटेड चीजें थी, जो कि पाकिस्तान ने तरक्की हुई थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन उस वक्त जो नजम सेठी साहब भी बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर एशिया कप पे हाइब्रिड मॉडल अप्लाई हुआ तो वर्ल्ड कप पे भी अप्लाई होगा। आज मेरी इत्तला है कि सेठी साहब लाहौर से दुबई में 3 दिन क्याम करने के बाद अब लंदन रवाना हो गए, तो वो जो हमने इतने बड़े बड़े दावे किए थे वो तो दावे ही रह गए ना, शेड्यूल तो अनाउंस हो गया। पाकिस्तान को तो अहमदाबाद का मैच भी आज तक तो जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो अभी वैसे ही है, पाकिस्तान ने जो मैच स्वैप करने की बात की थी उस पर भी आईसीसी ने कोई जवाब नहीं दिया, इवन जो वार्म अप मैच था पाकिस्तान अफगानिस्तान का, पीसीबी ने कहा था कि वो मैच हमें किसी और टीम के साथ दे दिया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ तो हम एशिया कप में खेलेंगे, उस पर भी आईसीसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मेरी इतला तो यही है कि हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान जो दो वार्म अप मैच खेलेगा वर्ल्ड कप से पहले, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक अफगानिस्तान के खिलाफ, तो बिल्कुल आपने सही बात की कि हमारा हाउस जो है वो हाउस इन ऑर्डर है ही नहीं, तो अब हम बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है कि शहजाद राणा साहब जो इलेक्शन कमिश्नर है वो डे टू डे अफेयर देखेंगे, लेकिन एक अदालत में, अब मुझे एग्जैक्ट कोर्ट याद नहीं है, एक अदालत में तो शहजाद राणा साहब पर भी एतराज उठा है कि
उन्होंने भी कुछ गैर आईनी काम किया, तो मतलब हमारी क्रिकेट जो है, मतलब भट्टी साहब सब ईगो फाइट करते रहे, कोई खेल का ना सोचे, सिर्फ सब जो है इस कुर्सी की जंग में लगे रहे। मगर हम अभी एक ब्रेक पर जाएंगे, पर आपने पीछे जो है जो एक बात वाले से भी मैं फिर आगे जाके बात करूंगी कि जका साहब और रामदेव तो दो नॉमिनीज आ गए थे, मगर रामदेव साहब ऐसा लगा कि शायद अगर ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं तब्दील किए जाते तो ऐसा तो नहीं था कि इन दोनों में बीच में रामदेव साहब जीत जाते, बिकॉज ये इलेक्टेड जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे ये सिटी आपके थे। सो यस, उस पे और डिटेल में बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद अब्दुल माजिद भट्टी, और हमारी डिस्कशन हो रही है जो इस वक्त सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलसिला चल रहा है, और फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे भी मूव करेंगे वर्ल्ड कप के स्केड्यूल के हवाले से। बट भट्टी साहब, जाते जाते जो है वो एक मैंने कमेंट ज़रूर दिया था कि शायद ये जो हैपजेडली जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बदलने पड़े, रीजन्स चेंज करने पड़े, शायद ये खदशात थे कहीं कि ऐसा ना हो कि जका साहब आ जाएं और रामदेव साहब भी हों मगर रामदेव साहब जो हैं वो जीत जाएं, बिकॉज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो पिछली मैनेजमेंट कमेटी ने चुने हुए थे। जी हाँ, सवेरा वो हमारी भांजी है ना अनाया, उसके बहुत सारे, अब तो बड़ी हो गई, बहुत सारे खिलौने हैं तो वो बाप खिलौने उसमें ऐसे बच्चों के होते हैं कि जिसको आप जहाँ मोड़े ना वहाँ मुड़ जाता है, कभी कोई शेप आ जाती है खिलौने की, कभी कोई शेप आ जाती है। ये पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन लोगों ने ऐसे बना दिया है, यही हाल। चाहे वो जिम सिटी साहब हो, चाहे जका अशरफ साहब हो या स्पोर्ट मिनिस्ट्री हो। देखिए, थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। 14 तारीख को, 14 जून को एक मीटिंग हुई मैनेजमेंट कमेटी की जी। उसमें जो चार मेंबर डिपार्टमेंट के और चार मेंबर रीजन के, जो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर्म हुआ था, वो फिर 20 जून को नजम सिटी साहब ने जो आखिरी एमसी की मीटिंग चेयर की, उसमें उसको चेंज कर दिया। अब उसके अगले दिन फिर जो नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री का, उन्होंने कहा जी वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और आईन के मुताबिक तो 15 तारीख को एमसी जो थी वो तो खत्म हो चुकी थी, वो ये मीटिंग कर नहीं सकती थी। फिर इलेक्शन कमिश्नर जो अहमद शहजाद राणा है जी, उन्होंने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर्म किया, अब वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी चैलेंज हो गया। तो मतलब ये मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, बिल्कुल। और ये आज नहीं, ये माजी में भी ऐसा हुआ है। नहीं, और ये मजाक भट्टी साहब, देखिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम एक वर्ल्ड इवेंट के बिल्कुल कोने पे और वर्ज पे हैं। जब हम इस वर्ल्ड इवेंट की बात करते हैं तो स्केड्यूल का अब ऐलान हो गया है, और उस स्केड्यूल के ऐलान के बावजूद अभी तक हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है। बट अब मेरे ख्याल से हम मूव ऑन कर जाते हैं और जो आईसीसी ने स्केड्यूल अनाउंस किया उसके हवाले से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी भट्टी साहब, मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ साउथ अफ्रीका में आईसीसी की एनुअल मीटिंग हो रही है, तो पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट करेगा? जो मुझे लग रहा है ये तो अगस्त सितंबर से पहले ही अदालती मामला सिमटने वाले नहीं है, इतने ज्यादा उलझ गए कि चार हाई कोर्ट में केसेस हैं। किसी में जका अशरफ साहब की जो क्वालिफिकेशन है, तालीमी काबिलियत, वो चैलेंज हो गई है। कहीं अहमद शहजाद राणा की जो किरदार है उसको चैलेंज कर दिया गया है, कहीं उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को चैलेंज कर दिया है। तो इतने मामला उलझ गए हैं कि ये पाकिस्तान के साथ वाकई मजाक है, ये होना नहीं चाहिए। एक भी खेल है जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम इन्वॉल्व होती है, अनफॉर्चुनेटली हमने उसको भी बच्चों के खिलौने की तरह कभी किसी तरह से जाते हैं। बिल्कुल, ये खींचातानी जो है ना, ये खींचातानी जो है ये बहुत मुश्किलात पैदा करेगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बट नाउ वर्ल्ड कप इज़ दी फोकस, और वर्ल्ड कप पे जो है डिस्कशन के लिए हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब तो हमारे साथ मौत भारत से, हमारे साथ क्रिकेट राइटर एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रेश नारायण भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो चंद्रेश, वेलकम टू द शो। थैंक्स अ लॉट सवेरा मुझे बुलाने के लिए, और भट्टी साहब को भी मेरे तरफ से सलाम। अरे चंद्रेश, वेलकम वेलकम। हम तो चाह रहे थे कि इस बार मुंबई में आपसे मुलाकात हो, लेकिन शायद पाकिस्तान और मुंबई जो है, वैसे तो हम कराची से कोस्टल बेल्ट पर 800 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि हमारी आपकी मुलाकात हो सकेगी।
नहीं नहीं वो मुलाकात जरूर जो है वो प्लान कहीं कर लेंगे स्केड्यूल के हवाले से जब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो भट्टी साहब, जिस तरह हमने अभी पहले भी बात की थी कि कोई जो भी डिमांड्स रखी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ऑब्वियसली वो उन डिमांड्स को फॉलो अप नहीं किया गया ICC की तरफ से, और शायद करना बनता भी नहीं था, बिकॉज एक ही तरीका है जो कि वेन्यू चेंज करा सकता है, दैट इज़ दी सिक्योरिटी थ्रेट। 2016 में हमें याद है कि धर्मशाला को अप्रूव नहीं किया गया था, वहाँ कुछ इश्यूज थे, वहाँ कोई मसले थे, तो इस वजह से ईडन गार्डन्स कोलकाता में शिफ्ट हुआ था पाकिस्तान इंडिया का मैच। सो ये डिमांड ही गलत थी एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट। जी हाँ सवेरा, उसमें जो लॉजिक थी, जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मैच चेन्नई में था, पाकिस्तान शायद ये उसमें लॉजिक दे रहा था कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, लिहाजा ये मैच उसमें अफगानिस्तान को जो चेन्नई का स्टेडियम है वहाँ एडवांटेज है। तो इसी चेन्नई के स्टेडियम में पाकिस्तान ने 99 में शकीब मुश्ताक की बॉलिंग की वजह से टेस्ट मैच जीता इंडिया के खिलाफ। फिर 2012 के एंड में मैं खुद चेन्नई में मौजूद था, पाकिस्तान ने मोहम्मद इरफान और जुनेद खान की बॉलिंग की वजह से वनडे इंटरनेशनल भी जीता। तो मेरे ख्याल में लॉजिक पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि ICC कन्विंस हो सकता। टेक्निकल ग्राउंड पर होते हैं वेन्यू, और सभी जो है वो होते हैं, लेकिन शायद उनकी लॉजिक इतना मजबूत उनका पॉइंट नहीं था जिसकी वजह से ICC कन्विंस हो सकता। बिल्कुल, और सभी जो है वो कंडीशंस की लॉजिक देने लगे तो ICC जो है वो सबको कैसे सेटल करेगा इतने मेंबर्स को। बट चंद्रेश, टॉकिंग अबाउट इंडिया स्केड्यूल, जब मैं इंडिया को देखती हूँ, ऑब्वियसली होम पे इंडिया खेल रही है, ICC ट्रॉफीज जो बहुत अरसे से नहीं आई हैं उसकी अब सब नजरें हैं कि नहीं जी भारत में, भारत जो है वो इट इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट। अब तो खैर अब ये भी बहुत अच्छा भारत की टीम खेलती है, मगर इंडिया जब इंडिया में खेलती है तो इंडिया इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, और बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि ये इवेंट इंडिया अपने नाम कर सके। बट लुकिंग एट दिस स्केड्यूल, चंद्रेश आपको कहीं लगता है कि बड़ा मुश्किल स्केड्यूल है इंडिया का अपने ही घर में 9 अलग वेन्यूज पे 9 अलग गेम्स? सवेरा, मैं जानता हूं आपका सवाल, मतलब वाजिब है ये सवाल पूछना आपका, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम हो, सबसे बड़े ड्रॉ सारे जो वेन्यूज है जहाँ पे मुकाबले होने हैं वर्ल्ड कप के, वो चाहेंगे कि जो इंडियन टीम है वो उनके शहर में आके खेले, उनके मैदान पर खेले, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला सके और एक शोकेस कर सके अपने आप को दुनिया भर में। तो मेरे हिसाब से उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है, और आई थिंक दैट मेरे ख्याल से इंडियन टीम को भी पता है कि वो सबसे बड़े ड्रॉ है इस वर्ल्ड कप के, क्योंकि वो होस्ट टीम है और उनके पास काफी बड़े नाम है उनके लाइनअप में, तो उनको पता है कि उनको इंडिया भर में खेलना पड़ेगा ताकि सबको पता चले कि वर्ल्ड कप हो रहा है वरना उनके शहर में, वरना मुश्किल ही होगा ना आपको क्राउड ड्रॉ करना एक इंग्लैंड न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान बांग्लादेश के मुकाबलों के लिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो स्टेट एसोसिएशन का जो डिमांड है या रिक्वेस्ट है वाजिब ही लगता है मुझे। बट चंद्रेश, क्रिकेट की तो इतनी फैन फॉलोइंग है, मतलब हम जर्सी लॉन्च पे, IPL की जर्सी लॉन्च पे हम इतने लोगों को आते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के मैच में तो ऐसा नहीं होगा कि स्पेक्टेटर्स को लाना मुश्किल होगा। बट एक एक पॉइंट ऑफ व्यू जो हम भारत से ही सुन रहे हैं, बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि BCCI ने जो एसोसिएशंस हैं उनको प्लीज करना था और उनकी वजह से ऐसा ना हो कि प्लेयर्स को ट्रैवल फटीग हो जाए? देखिए, जैसे ICC एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, BCCI भी एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारे जो मेंबरान हैं उनको मतलब साथ में लेकर चलना ही उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है BCCI का। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि शेड्यूल में ज्यादा दिक्कत नहीं है, और कल से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा से बात करके ही ये शेड्यूल का मतलब जो अनाउंसमेंट हुआ है उनसे भी जरूर इनपुट लिया गया होगा इस सब के चीज में, और आप देखोगे कि थोड़ा गैप तो है मैचेस के बीच में, ठीक है, और इससे बड़ा टूर्नामेंट है नहीं, तो आपको तैयार होना पड़ेगा उस बात के लिए। पिछले बार वर्ल्ड कप में आसान था क्योंकि पूरे इंग्लैंड में आप बस में ट्रैवल कर सकते हैं और पूरा काम निकल सकता है, इंडिया में उस तरह से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से नहीं है, पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है, तो आपको सब जगह फ्लाइट में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयारी तो होगी, और मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ऑन बोर्ड होंगे इस बात के लिए। मैं एक सवाल चंद्रेश से पूछना चाहता हूँ। जी जी चंद्रेश, जो हम मीडिया में भी आज पढ़ रहे हैं और हमारे लिए भी हैरत की बात है
कि मोहाली का वेन्यू जो बड़ा एक पॉपुलर वेन्यू था और बड़ी जबरदस्त जगह है, तो मोहाली के वेन्यू को क्यों इग्नोर किया गया इस वर्ल्ड कप? बटी साहब, ऐसा है कि मोहाली का जो वेन्यू है वो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक उसे यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि चंडीगढ़ के पास में और एक बड़ा और एक बढ़िया वेन्यू तैयार हो रहा है जो इस साल के एंड तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और आप देखोगे कि अगले साल के आईपीएल से वो पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा। और इस वक्त जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन है वो भी चाहते हैं कि वो जो मुकाबले हैं वहीं पर हो, और उन्होंने ही कहा है कि ये मुकाबले वहां पे ना हो, मोहाली के वेन्यू पे ना हो, जो नया वेन्यू होगा वहां पे हो आने वाले दिनों से। बिल्कुल, क्योंकि इट वाज अ शॉकर फॉर मी एज वेल कि क्यों मोहाली हमें नहीं दिख रहा वेन्यूज में। बट भट्टी साहब, जहां टीम पाकिस्तान को हम देखते हैं, आपको लगता है टीम पाकिस्तान इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग? कहां हम वर्ल्ड कप में आप कहां देखते हैं टीम पाकिस्तान को पहुंचते हुए? अगर एशियन कंडीशन में पाकिस्तान टॉप फोर में फिनिश नहीं करती तो मेरे ख्याल में मुझे हैरत होगी। देखिए, नॉकआउट स्टेज में तो अगर आपका दिन बुरा हुआ तो आप बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन नौ मैचों में से अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में एशियन कंडीशन में नहीं जाती, और पाकिस्तान की जो आप लाइनअप देख लें, पाकिस्तान के बैट्समैन आप देख लें, पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक देख लें, स्पिनर्स देख लें, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को टॉप फोर में फिनिश करना चाहिए। चंद्रेश, यही मैं बात आपसे पूछूंगी टीम इंडिया, बिकॉज टीम इंडिया अभी रीसेंट टाइम्स में बहुत हॉट वाटर्स में रही, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं जीत सके उसके बाद से बहुत शोर मचाया, बहुत डिसअपॉइंटेड हुए फैंस, मगर फिर भी ऑब्वियसली दे आर स्टैंडिंग स्टेडी, और रोहित शर्मा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिकॉज प्रेशर अपने घर पर खेलने का जितना एडवांटेज होता है उतना प्रेशर भी होता है। टीम इंडिया को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर भारत जो है सेमीफाइनल में पहुंचे ना, तो मुझे लगता है कि टॉप फोर में पहुंचना भारत के लिए पहला टारगेट होगा, और रोहित शर्मा के लिए पर्सनली, क्योंकि आपको अगर याद हो 2011 में जब आखिरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, तब रोहित शर्मा का सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि सब जो बड़े नाम थे तेंदुलकर, सहवाग, युवराज, रायना, वो सब तभी भी मौजूद थे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था और सिर्फ एक यंग प्लेयर का जगह था और वो विराट कोहली को गया था। तो इस बार रोहित शर्मा चाहेंगे कि वो अपना नाम बनाए, वर्ल्ड कप जीत कर अपना नाम बनाए और सेमीफाइनल तक पहुंचे, और सेमीफाइनल उनके ही मैदान पर होगा। भारत अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा तो वानखेड़े पे ही खेलेगा, मुंबई में जो उनका होम ग्राउंड है। अगर पाकिस्तान से मुकाबला हुआ सेमीफाइनल में तो वो ईडन गार्डन्स कलकत्ता में होगा। तो मेरे ख्याल से लेगेसी के हिसाब से रोहित शर्मा के लिए इससे बड़ा और बेहतर मौका नहीं है अपना एक लेगेसी छोड़ने के लिए, और ये वर्ल्ड कप काफी कुछ डिसाइड करेगा भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट टीम के भी जो बड़े नाम है वो भी शायद इस वर्ल्ड कप के बाद दिखे या ना दिखे, सारा कुछ वर्ल्ड कप पे डिपेंड होता है। कोचिंग स्टाफ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप तक ही है, तो ये सब हिसाब से देखे तो इंडियन क्रिकेट के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट है ये वर्ल्ड कप। बिल्कुल जी, बहुत सारी तब्दीलियां या तो बेहतरी की तरफ होंगी या फिर और चेंजेस दिखेंगे, बट जहां लेगेसी की बात की भट्टी साहब, ये जो साल है पूरा, बिकॉज हमने एशिया कप खेलना है, फिर वर्ल्ड कप खेलना है, एंड देन दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने टेस्ट खेलना है, आपको लगता है कि ये बाबर के लिए भी ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी लेगेसी क्या बिठा पाएंगे इस साल को गुजरते हुए कि नहीं, उनके लिए भी इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा साल? तो मेरा बाबर पे जितनी पाकिस्तान में पिछले कुछ अर्से से क्रिटिसिज्म हो रही है, और उस क्रिटिसिज्म के बावजूद बाबर जिस कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मेरे ख्याल में बाबर की तारीफ तो करना बनती है कि वो चाहे T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, ठीक है उनके स्ट्राइक रेट पर कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में ये जो 2023 में तीन बड़े, ये श्रीलंका की जो टेस्ट सीरीज नेक्स्ट मंथ है, उसके बाद एशिया कप, वर्ल्ड कप और फिर ऑस्ट्रेलिया की जो दो टेस्ट मैच की सीरीज है, ये मेरा ख्याल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये बाबर के लिए भी मेक एंड ब्रेक है। मेक एंड ब्रेक में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उसको पाकिस्तान की कप्तानी में कंटिन्यू रहना है तो एटलीस्ट ये जो दो वनडे फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स हैं इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ऊपर ले जाकर फिनिश करना होगा, और उसमें बाबर का अपना रोल भी होगा। फिर सबसे बढ़कर इसी आंसर
ग्रांट ब्रैडबर्न, मॉर्नी मॉर्कल, ये जो एक नया कॉम्बिनेशन आया है, फिर इन हाउस जो पीसीबी के मामलात हैं, इस सारे जो कॉन्ट्रोवर्सीज है इससे निकल कर बाबर को परफॉर्म करना, ये मेरे ख्याल में चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाबर जिस तरह के फाइटर हैं और जिस तरह के बड़े प्लेयर हैं, इस सारे इश्यूज से निकल कर वो अपने आप को भी मनवाएंगे और पाकिस्तान टीम को भी एक अच्छे मकाम पर ले जाकर फिनिश करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और चंद्रेश, मैं अब बस जाते जाते, बिकॉज वक्त कम रह गया है, एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो ट्रॉफी टूर का स्टार्ट हुआ और है वो स्पेस से जो है वो ट्रॉफी टूर का स्टार्ट किया गया है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? जबरदस्त है। मैं जब आईसीसी में काम करता था तब मुझे याद है 2011 के वर्ल्ड कप के पहले दुबई मॉल में एक बहुत बड़ा एक्वेरियम जैसा है, आपने भी देखा होगा, मॉर्ने मॉर्कल जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं और डेल स्टेन वो दोनों ट्रॉफी लेकर उस एक्वेरियम में चले गए थे। और आपको वो भी याद होगा कि शाहिद अफरीदी कप्तान थे पाकिस्तान के वनडे टीम के, और आई थिंक ग्राम स्मिथ थे वो जो बुर्ज खलीफा है उसके सबसे ऊपर चले गए थे। तो पिछले बार बुर्ज खलीफा के ऊपर चले गए थे, तो इस बार तो बुर्ज खलीफा से भी ऊपर जाना था, तो वही उन्होंने ट्रॉफी के साथ किया है। इस बार जबरदस्त है क्योंकि वो मोमेंटम बढ़ाना बहुत जरूरी है इस वक्त टूर्नामेंट को लेकर। बिल्कुल। सो भट्टी साहब, ये तो हम इस बात पे बिल्कुल फोकस्ड हैं कि हाँ जी ये वर्ल्ड कप होगा बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो बीसीसीआई से बेहतर एंटरटेनमेंट किसको आती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखें, बीसीसीआई के पास ये सलाहियत भी है, फिर पीछे आईसीसी का इतना बड़ा सेटअप है और बड़े बड़े दिमाग हैं उसमें, चंद्रेश भी वन ऑफ दोस के, मतलब ठीक है, हमारे मीडिया के दोस्त हैं उनका। ठीक है भट्टी साहब, यानी मीडिया के दोस्त जो हैं वो सारे मिल बैठेंगे साथ। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट भट्टी साहब, थैंक यू चंद्रेश, आपका बहुत बहुत लेकिन वक्त यहाँ खत्म हो गया गेम सेट मैच का। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। Yeah, stop.